कसा काय यूट्यूब, वेलकम टू योर चैनल हैवी सेलर। और सबसे पहले तो मैं आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली एंड अ प्रॉस्परस न्यू ईयर। एंड वही है, मैं ये व्लॉग आज बना रहा हूँ बहुत दिनों बाद मेरे डोमिनार के साथ। 6 दिनों से मेरी बाइक ऑटोडेन के माहिम के शोरूम में, माहिम के सर्विस सेंटर में पड़ी हुई थी। और मेरे 2 मेजर इशू मैंने उनको बताए थे, जो मैंने ऑलरेडी कई बार आपके साथ डिस्कस किए हैं। जो नए दर्शक हैं उनके लिए मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ कि मेरे डोमिनार में 2 मेजर इशू थे। एक तो बारिश में या फिर अगर पानी में अगर मैं इस बाइक को धो लूँ, तो थ्रॉटल लैगिंग इशू होता था। थ्रॉटल लैगिंग मतलब गाड़ी दचके मार मार के चलती थी, जैसे कि पेट्रोल में पानी घुस गया हो ना, कैसे दचके मार मार के चलती है, वैसे रुक रुक के यू नो बाइक चलती थी। जब हेवी बरसात होती थी या फिर यू नो मैं पानी इस बाइक को प्रेशर वाले पानी में या फिर ऐसे ही धो लेता था, वो एक इशू था। दूसरा कि मेरा जो चेन्स पॉकेट व्हील है वो थोड़ा आउट था। और ये डे 1 से जब मैंने बाइक ली थी तब से ये इशू है। बट इससे तो कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही थी, बट मुझे कोई चांस लेना नहीं था कि अगर मैं लॉन्ग राइड के लिए निकल जाऊं तो उस वजह से बीच में ही मेरी बाइक पूरा का पूरा ब्रेकडाउन हो, वो मैं नहीं चाहता था। तो वो एक मेरा इशू था। तो बात करते हैं अब मेरे एक्सपीरियंस विथ ऑटोडेन माहिम सर्विस सेंटर ऑफ बजाज, ऑथोराइज सर्विस सेंटर ऑफ बजाज। मेरे 2-3 व्लॉग पहले मैंने आपको एक लिस्ट दी थी जहां मैंने बताया था कि जो लोअर परेल का साई सर्विस का बजाज का जो ऑथोराइज सर्विस सेंटर है 2-व्हीलर्स के लिए, वो बंद होने के बाद जितने भी साउथ मुंबई कर्ज हैं, जो भी बैंड्रा के पीछे रहते हैं, उनके लिए मुझ जैसे कुछ लोग, हमारे लिए माहिम का सर्विस सेंटर ही सबसे नियरेस्ट सर्विस सेंटर फिर था। सो वी डोंट हैव वी वर लेफ्ट विथ नो चॉइस बट टू गो टू ऑटोडेन का माहिम का सर्विस सेंटर, अगेन शोरूम सर्विस सेंटर। अब प्रॉब्लम क्या है ना, अगर आपके पास बजाज की प्लैटिना हो, अगर आपके पास बजाज की एवेंजर हो या पल्सर हो या आरएस हो या और कोई वैसे बाइक हो ना, तो चल जाता है, वो सर्विस सेंटर में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। बट डोमिनार के लिए अलग टेक्नीशियंस होते हैं डोमिनार के लिए, क्योंकि इट्स अ एक्सट्रैक्टेड वर्जन ऑफ KTM 390। इसमें बहुत से पार्ट KTM 390 से शेयर हुए हैं, जैसे कि आप इंजन बोलो, आगे का शॉक अब्जर्वर बोलो, पीछे का पूरा कंसोल बोलो, ये टोटल KTM से उठाया गया है। तो बजाज ने ये अपने आप डेवलप नहीं किया है, तो इसके डोमिनार के जो टेक्नीशियंस होते हैं वो अलग होते हैं, उनके लिए कुछ अलग ट्रेनिंग दी जाती है। ये मुझे पता है क्योंकि मैंने मेरा कुछ खास दोस्त हैं जो बजाज के सर्विस सेंटर में काम करते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा था। हाँ, तो साई सर्विस लोअर परेल का जो सर्विस सेंटर था साई सर्विस का, वो बंद होने के बाद वहाँ भी 1-2 टेक्नीशियन अच्छे थे, हमें जाना पड़ा ऑटोडेन के माहिम के सर्विस सेंटर में, जो ऑलरेडी बहुत बदनाम है अपने सर्विस एक्सपीरियंस की वजह से। उनके पास कोई भी हाईली स्किल्ड टेक्नीशियन है नहीं, बट ये मुझे सब पता था। बट जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस ब्लॉग में भी मेंशन किया था कि अपना एक दोस्त जो लोअर परेल में काम करता था, वो शिफ्ट हो गया था माहिम के सर्विस सेंटर में। सो उसके भरोसे पे मैं अपनी बाइक उनके पास लेके गया था विद 2 प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने कहा था बारिश की वजह से गाड़ी बंद पड़ रही थी, और मुझे ECU अपडेट करना था, और ये पॉकेट व्हील का प्रॉब्लम था। ECU तो खैर अपडेट हो गया, और काफ़ी झगड़ा करने के बाद, लिटरली मैं बोल रहा हूँ, मुझे काफ़ी लड़ाई झगड़ा करना पड़ा वहाँ जाके। वो लोग देखो, वो लोग आपको मैं बोलता हूँ, वो लोग बात करने में बहुत ही अच्छे हैं, आपको ऐसे लगे कि ओ वाह क्या सर्विस मिल रही है मुझे, कितने अच्छे से मुझे समझा रहे हैं, कितने अच्छे से मेरे साथ बात कर रहे हैं, मुझे सर्विस दे रहे, बट नहीं। ये तो खाली उनका दिखावा है। एक्चुअली क्या है, जब अगर आप कोई भी छोटा मोटा प्रॉब्लम लेके उनके पास जाओ, तो जैसे कि मेरा ECU का प्रॉब्लम था, अब ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत से डोमिनार का प्रॉब्लम है। तो ऐसे मेरे साथ 5-6 लोग और आए थे, तो उन्होंने ब्लंडली उसके टेक्नीशियन ने बोल दिया कि नहीं, आपके बाइक में फ्यूल टैंक में पानी गया है, तो वो अभी मैं निकाल दूंगा, उसके 250 रुपये अलग से चार्ज होंगे, और उसके बाद आपकी गाड़ी अच्छे से काम करना चालू हो जाएगी। ये पहली सोल्यूशन था उन्होंने मुझे दिया था, बट मैं वापस गया, क्योंकि अपने को तो नहीं चलता ना भाई कि जब
नई गाड़ी ली है, इतनी महंगी प्रीमियम कैटेगरी की बाइक ली है, तो मैं क्यों प्रॉब्लम के साथ चलूँ? यू नो एज अ कस्टमर आई हैव ऑल द राइट कि मेरी गाड़ी 100% यू नो टू द पॉइंट हो व्हेन आई एम राइडिंग दिस बाइक. ये मेरा अधिकार है, ओके. और मुझे नहीं चलता कि मेरे बाइक में इतना सा भी प्रॉब्लम हो, मुझे वो खटकता है, मेरे दिल में वो लगता है, ओके. तो मैं वापस उनके पास गया, ओके, सेइंग कि यू नो ये प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है. और मैंने ये इशू को बहुत बड़ा बनाया क्योंकि मुझे बनाना पड़ा, बिकॉज दे वर वेरी मच एडमेंट कि नहीं ये सॉल्व हो जाएगा, नहीं ये ऐसा नहीं वैसा नहीं. दे वर गिविंग मी ऑल द शिटी रीजंस, ओके. बट मुझे लिटरली वहाँ अपना आवाज़ चढ़ाना पड़ा और यू नो उनके साथ लिटरली आई हैव टू गेट लिटिल एग्रेसिव विद देम. तभी उन्होंने मेरी बाइक को वापस 6 दिन रखा. 6 दिन रोज़ वो लोग मेरी बाइक को टेस्ट कर रहे थे. उनका कोई इंजीनियर भी आया था पुणे से, यू नो. तो फिर उनको ये प्रॉब्लम, तो फिर उन्होंने सोल्यूशन ये निकाला था कि मेरे ECU में, ECU जो बाइक का होता है वो ये सीट के नीचे होता है, ओके, डोमिनार का ECU, वो ECU में कोई पैकिंग थी, ECU की जो पैकिंग थी वो लूज थी या ऐसा कुछ था. तो उस वजह से उनको ये लगा कि मेरी बाइक में वहाँ से पानी जा रहा है और बाइक मेरी बंद पड़ रही है, ओके. तो ये एक सोल्यूशन उनको मिला. तो उन्होंने ECU का वो पैकिंग, ओके, किसी और बाइक से उठाया. मतलब वो PDI वाली बाइक होती है ना, प्री डिलीवरी चेकअप वाली बाइक, जो नई बाइक हम लोग ऑर्डर करते हैं, वहाँ से उन्होंने वो बाइक का पार्ट निकाला और मेरी बाइक में डाला. और जिस हिसाब से उस बाइक को टेस्टिंग करनी चाहिए थी, ओके, उस हिसाब से वो बाइक को टेस्टिंग की नहीं और मुझे बोला गया था कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आके आपके बाइक को लेके जाइए, ओके. जब हम लोग गए डिलीवरी लेने के लिए, ओके, तब मैंने वापस से मेरी बाइक को धुलाया पानी में, प्रेशर में, और उनके सामने मैंने अपनी बाइक वापस चेक की. वापस थ्रॉटल लैगिंग का इशू आ रहा था. तो वो मैनेजर आके मुझे बोलता है कि यार हमने 6 दिन रोज चेक कर रहे हैं, यू नो हमें तो प्रॉब्लम नहीं आया, आपको प्रॉब्लम कैसे आई? वो मेरे साथ आर्ग्यू करना चालू हो गया. तो मैंने बोला कि भाई जो जिस तरीके से उस बाइक को चेक करना चाहिए ना, उस तरीके से तूने किया नहीं है. वो डोमिनार है, इट्स अ हाई परफॉर्मेंस बाइक, एवेंजर की तरह चेक नहीं कर सकते, ओके. अगर उसको चेक करना है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट और सेकेंड गियर में एक पर्टिकुलर RPM के ऊपर वो RPM के बाद वो प्रॉब्लम आता है, तो उस RPM तक आपको बाइक को रेव करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको वो प्रॉब्लम समझ में आएगा, ओके. नॉर्मल स्पीड पे या नॉर्मल रेविंग पे वो प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगा. तो उसके सामने उसको पीछे बिठा के मैं गया और मेरी बाइक को रेव किया और उसको दिखाया कि देख भाई ये प्रॉब्लम अभी भी है, ओके. दूसरा जो प्रॉब्लम था स्पॉकेट व्हील का, तो उसके लिए भी लिटरली उसके लिए भी मुझे उनके साथ झगड़ा करना पड़ा और फाइनली उन्होंने मेरा स्पॉकेट व्हील जो है पूरा चेन स्पॉकेट व्हील वो नया डाला. अब उसके बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ओके, ये स्पॉकेट व्हील चेंज करते करते उन्होंने कैसे चेंज किया पता नहीं. यू नो जो मैं बोल रहा हूँ, उनके पास स्किल टेक्नीशियन है नहीं. ऑटोडेन का जो बजाज का शोरूम है, टू व्हीलर का ऑथोराइज शोरूम है माहिम में, ऑटोडेन के अंदर जो होता है, उनके पास दे डू नॉट हैव स्किल टेक्नीशियंस. उन्होंने ये स्पॉकेट व्हील चेंज करते करते ऐसा कुछ गड़बड़ कर दिया कि मेरी ABS की बैंड बज गई, ओके. आज के डेट में मैं आपको बताता हूँ, ये ABS की लाइट देख रहे हो ना, जनरली क्या होता है, जब अगर आपके बाइक पे अगर ABS ठीक से चल रहा हो, तो वो कैसे चेक करते हैं कि ये जो ABS की लाइट है, एक 5 km/h के बाद वो जब आपकी बाइक रन करने लगती है तो वो बंद हो जाती है, ओके. बट मेरे बाइक में, ओके, ये लाइट बंद नहीं हो रही थी. इसका मतलब क्या था, स्ट्रेट मेरा ABS में कुछ इश्यू था. सेकेंडली, ये जो मेरा रेयर ब्रेक देख रहे हो ना, ओके, ये भी ना अटक अटक के चलने लगा, ओके. जैसे कि मतलब यू नो ऐसे कचरा फंसा हो या फिर कोई काटी फंसी हो तो कैसे ब्रेक अटक अटक के लगता है, नो अभी भी मेरा ब्रेक अटक अटक के ही लग रहा है, ओके. इन्होंने पूरा पता नहीं क्या, बट रेयर स्पॉकेट व्हील जब चेंज किया उन्होंने, तो पूरी मेरी ABS का, पूरा जो ABS का रेयर ब्रेक है, मेरा फ्रंट ब्रेक सब में इशू आना चालू हो गया था. अब उसका सोल्यूशन मैंने ये किया कि यू नो यहाँ एक सिलेंडर होता है ABS का, इफ़ यू सी यहाँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ एक ABS का सिलेंडर होता है, ये देखिए यहाँ एक ABS का सिलेंडर होता है, अगर आप देखोगे, ओ सॉरी आई एम नॉट इवन, हाँ ये यहाँ इसके स्क्रू के नीचे एक ABS का सिलेंडर होता है, ओके. तो मैंने ABS का पूरा सिलेंडर चेंज करवा दिया उनके पास जाके वापस, ओके. तो 6 दिन गाड़ी वहाँ थी,
जब सातवें दिन मैं गया तभी मुझे झगड़ा करके वापस मुझे पॉकेट बिल चेंज करना पड़ा, और उसके बाद चार दिन बाद वापस मुझे जाना पड़ा ये सिलेंडर ABS का चेंज करवाने के लिए, क्योंकि हमें ऐसा लगा कि अगर ABS का सिलेंडर में कुछ इशू हो तो अगर सिलेंडर चेंज करवा दे तो फिर मेरा जो ब्रेक का पूरा फ्लो हो रहा है वो ठीक से हो। बट ABS के सिलेंडर चेंज करने के बावजूद भी मेरा पूरा बाइक का जो असेंबली है ABS की असेंबली, ओके, जो ABS काम करना चाहिए ठीक तरीके से, जो मेरा रेयर ब्रेक काम करना चाहिए ठीक तरीके से, वो काम आज भी नहीं कर रहा है, ओके। अब प्रॉब्लम ये आ गया है कि मेरे फ्रंट ब्रेक में भी इशू होने लगा है, ओके। जब भी गाड़ी मेरी गड्ढे में जा रही है तो ऐसा ब्रेक अटक अटक के लगता है। इसका मतलब क्या है कि मैंने उनको सिंपल बोल दिया कि बॉस तुम्हारे ABS मोटर में इशू है। अब सब चीज़ मैं एज अ कस्टमर उनको सजेस्ट कर रहा हूँ, उनके टेक्नीशियन में दिमाग नहीं है कि भाई वो ढूंढ के निकाले। अब तो यू नो सिचुएशन तो ये है कि उन्होंने मुझे स्ट्रेट अवे बोल दिया कि आप मेरे सर्विस सेंटर में मत आइए क्योंकि हमारे पास टेक्नीशियन नहीं है और मैं आपकी गाड़ी को अभी हाथ नहीं लगाऊंगा। अब सबसे पहली बात तो नो ऑथोराइज नो सर्विस सेंटर यू नो नो ऑथोराइज सर्विस सेंटर कैन डिनाई मी एज अ कस्टमर यू नो टू गेट हिज बाइक सर्विस फ्रॉम देयर सर्विस सेंटर, बिकॉज मेरी बाइक आज भी वारंटी पीरियड में है। तो उन्होंने कम्प्लीटली डिनाई कर दिया मुझे कि आप मेरे सर्विस सेंटर में मत आओ, क्योंकि उनको पता चल गया था कि ये चुप बैठने वालों में से है नहीं, ये हर चीज़ को इशू बना के यू नो अब ऊपर तक जाएगा। तो उनकी लिटरली फट गई, ओके, फट गई। और मुझे उसके लिए मैं हशर तो ये है कि आज मैंने उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में NC दर्ज की है, जो पुलिस स्टेशन में मैंने कंप्लेंट किया है माटुंगा पुलिस स्टेशन में। आप जाके चेक कीजिए कि ऑटोदेन के सर्विस सेंटर के खिलाफ मेरी कंप्लेंट है। वो कंप्लेंट के भी मैं एक स्नैपशॉट वीडियो के अंत में आपको दिखा दूंगा। सो गाइज, ये व्लॉग बनाने का तात्पर्य यही है, या फिर ये व्लॉग बनाने का ऑब्जेक्टिव यही है कि अगर आप यू नो साउथ मुंबई में रह रहे हो, ओके, और आपके पास डोमिनार है, तो मेरी पर्सनल एडवाइस ये होगी कि आप माहिम के ऑटो रैंक के सर्विस सेंटर में मत जाइए। दिस पीपल आर पैथेटिक एज हेल। तो यही है गाइस। अपार्ट फ्रॉम दैट, मेरी मोटरसाइकिल में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ओके। ऑटो रैंक का तो माहिम का, ओके, मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दिया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप भी ये व्लॉग देख के अगर आपको कुछ यू नो लगे, या फिर यू नो आपको भी ऐसे कुछ एक्सपीरियंस आए हैं, प्लीज़ आपके एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में, ताकि जितने भी व्यूवर्स हैं हमारे, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी डोमिनार को सर्विस करना चाहते हैं वहाँ, या सोच रहे हैं वहाँ सर्विस करवाने की, उनके लिए एक केस स्टडी बन जाए, ओके। तो वही है, थोड़ा पेन लो अंधेरी तक जाओ। मुझे पता है साउथ मुंबई, अगर आप कोलाबा रह रहे हो, भाईकला रह रहे हो, यू नो, तो अंधेरी जाना मतलब एक दिन खर्चा करना है, तो बट प्लीज़ आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक बहुत ही ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल खरीदी है, ओके। और जब आप 400 सीसी की बाइक खरीदते हो तो शौक के लिए खरीदते हैं इंसान, कोई रेगुलर कम्यूटिंग के लिए तो नहीं खरीदता। रेगुलर कम्यूटिंग के लिए बहुत से 200 सीसी वाले ऑप्शन है हमारे पास। अगर हम 400 सीसी की प्रीमियम बाइक खरीदते हैं तो शौक है हमें हमारे बाइक का, हमें मोटरसाइकिल में इंटरेस्ट है, हमें मोटरसाइकिलिंग पसंद है, इसलिए हम खरीदते हैं। तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और थोड़ा लंबा जाइए सर्विस सेंटर में। अंधेरी में भी, अब आज तो संडे है, आज इतवार है, मैं मंगल को जा रहा हूँ अंधेरी के सर्विस सेंटर में। आप उसके बाद मेरे नेक्स्ट व्लॉग में डेफिनेटली उधर का भी एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ताकि आपको घर बैठे बैठे मुंबई के जितने भी बजाज के सर्विस सेंटर हैं उसकी रिव्यूज़ यू नो मिले, और सच्चे रिव्यूज़ मिले, ऑनेस्ट रिव्यूज़ मिले, बिकॉज मैं कभी झूठ बोलता नहीं, और अगर अच्छा इंसान तो अच्छा बोल देता हूँ, बुरा है तो बुरा बोल देता हूँ। तो लेट्स सी, कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस, मैं आशा करता हूँ कि मेरे बाइक में जितने भी प्रॉब्लम हैं वो सब सॉल्व हो जाए और इस बाइक को मैं जल्द से जल्द यू नो एक लंबी टूर के लिए ले जाऊँ। यू नो दैट इज़ द रीज़न वाई आई हैव बॉट दिस बाइक, ओके, आई हैव बॉट माई हल्क। अभी भी इस बाइक में मुझे टैटूइंग करना बाकी है, वो मैं करूँगा, बट अभी नहीं, थोड़ा बाइक का प्रॉब्लम सॉल्व होने दीजिए। सो गाइज, ऑन दैट नोट, दिस इज़ हाईवे सेलर साइनिंग ऑफ, राइड सेफ एंड एन्जॉय योर दिवाली। अगर हाँ, आपको लगे कि इस ब्लॉग में मैं थोड़ा ज़्यादा बोल गया, तो भाई आपके लिए ही बोला हूँ, क्योंकि जो मेरा प्रॉब्लम था इतने दिनों से, जो मैं फेस कर रहा था प्रॉब्लम, वो एक या दो मिनट में यू नो आपको मैं समझा नहीं पा सकता था। तो दैट्स द रीज़न मुझे थोड़ा बोलना पड़ा, थोड़ा ज़्यादा बोलना पड़ा। भाई लोग थोड़ा सहन कर लो, आपका ही भाई है,
यू नो मेरी यही इच्छा है कि जब जो जो कंडीशन से या जो एक्सपीरियंस से मैं गुजरा हूँ यू नो आप ना गुजरे और पहले ही आप स्मार्ट मूव ले. यू शुड लर्न फ्रॉम माई एक्सपीरियंस एंड यू शुड टेक अ स्मार्ट मूव. सो दैट वॉज माई होल ऑब्जेक्टिव बिहाइंड यू नो मेकिंग दिस ब्लॉग. सो आई होप मैं आशा करता हूँ कि यू नो जो भी मैं काम कर रहा हूँ या जो भी मैं ब्लॉग बना रहा हूँ आपको पसंद आए और पसंद आए और आप ऐसे ही लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और आपके भाई को थोड़ा सपोर्ट करो. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग गाइस. टाटा, बाय बाय.